किसानों को सरकारी तंत्र से लेकर गन्ना तोलने वाले सब चूना लगाते हैं। हाल ही में जिला बागपत के ग्राम बसी में गन्ना तौल कांटे पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। किसानों ने गन्ना तौल कांटे में घटतौली करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत कलेक्टर तक करने की बात कही है। किसानों का कहना है कि उन्हें घटतौली के चलते हजारों टन का नुकसान उठाना पड़ा। आक्रोशित किसानों ने आनन फानन में डीसीओ अनिल कुमार से इसकी शिकायत की, जिस पर डीसीओ अनिल कुमार ने उल्टा ही किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस कांटे में यहाँ हाँ जी एक जैसा हमने बुग्गी तोल लिया और वहाँ भी तुलवाई, एक क्विंटल का फर्क मिलता है और सभी कांटों से भी। यहाँ बिल्कुल गदर मिच रहा, अब से नहीं जब से मिल चला जब तक गदर मिच रहा। यहाँ तो बस गदर है जी। इस घटतौली का जो वे है जिम्मेदार वो सीसी और जीएम है और हम उनका बुलावा भी आते भी नजर मतलब जो है ना ठीक है। किसानों का पेमेंट भी टाइम पे नहीं हो रहा और साथ में घटतौली भी होती है, ये बहुत बड़ा और यानी कि 5% पे मानते हैं आप। इन्होंने गन्ना बांध रखा है 5% पे बांध रखा है। हाँ जी पकड़ा गया, ये तो रसीद दिखाई है आपको, फोटो कर लियो, खाली ट्रैक्टर का कांटा करवा के लिए धर्म कांटे पे अब कर लो। यानी कि किसान का मरना यहाँ पे भी है और पेमेंट भी किसान का टाइम पे नहीं हो पा रहा, किसान का चुअर जैसे मरना हो रहा। यहाँ नहीं हम लखनऊ तक जाएंगे जी। सीसीओ और जीएम को फोन कर रखा है लेकिन 7 बजे का, लेकिन अभी तक कोई नहीं है, कोई नहीं आया यहाँ पर। यानी कि किसानों की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज तक ये कांटा कोई अधिकारी यहाँ चेक करने के लिए नहीं आया, पूरे बागपत मिल के कोई बताओ। और यहाँ देखो कहीं बाट तरह जो भी है चेक करने के लिए, देख लो ये खुले जो है खुले अत्याचार कर रहे हमारे साथ। ये जीएम सीसीओ ये बुग्गी गैल एक क्विंटल कांटा ले, बुग्गी गैल एक क्विंटल कांटा 20 बुग्गी तुल गई 20 क्विंटल भी नहीं, मैं तोला बना के ले जानता है वो सब बांटे पत्ती उनकी भी है, उन्हें उनका पत्ती जा रही है तोला यहाँ से ले जा रहा है, पत्ती जा रही है जीएम का जा रही है। तो आप देख रहे हो किसानों में आक्रोश है इस चीज को लेकर। यहाँ पर जो धर्म कांटे पर किसान गन्ना तुल अगर लेकर आए हैं उसमें एक क्विंटल का फर्क है पूरा। जो हमारे अधिकारी हैं मिल के जीएम और सीसीओ ये कहते हैं हम धर्म कांटे की तोल नहीं मानेंगे, कांटे पे हम अपने कांटे की तोल मानेंगे। यानी कि ये तो तानाशाही चल रही जी, तानाशाही चल रही जी। हाँ जी उन्हें नहीं मानते तो तानाशाही के खिलाफ आप एकजुट होके आवाज उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे, हम लखनऊ लो जाएंगे ना गन्ना गे रहे। हंगामा बढ़ने पर हुंकार मीडिया के संवाददाता रॉबिन धावा मौके पर पहुंच और डीसीओ अनिल कुमार से घटतौली को लेकर जब सवाल किया, जिस पर डीसीओ अनिल कुमार तिलमिला उठे और अपना आपा खो बैठे, साथ ही साथ पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की भी करने लगे। बात कर रहा हूँ सर, मैं सर मैं मास्क लगाए बात कर रहा हूँ तो आप मुझे क्यों धमका रहे हो? सर मैं तो मास्क लगाए बात कर रहा हूँ, आप किसानों से आप किसानों के खिलाफ यहाँ पे घटतौली करते हो और किसानों को धमकाते हो, ये आपकी अच्छी बात नहीं है क्या? मेरा मास्क नाक के ऊपर नहीं था, अभी मेरा मास्क नाक के ऊपर था। आप किसानों का शोषण कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि मैं धर्म कांटे की तोल को नहीं लूंगा। इनको इनको बीमारी का डर है क्यों? हमारा खून चूस रहे हैं, हमारा खा रहे हैं, ये मरने का डर इन्हें हमें नहीं है। आप मास्क इसलिए लगा रहे हो? बीमारी नहीं है, हम बीमारी नहीं मानते। किसान धूप में परेशान है किसानों का, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। यू टाइम आ गया, सुबह से यू टाइम आ गया, एक क्विंटल खा लग रहे और ऊपर जाने का मैं आठ पिला रहे से करो। ये कोई तरीका है आपका सरकारी का? आप सरकारी आदमी हो? तानाशाही नहीं सर, आपने जो कहा आप बदतमीजी से भी बात कर रहे हैं किसानों से, किसानों का गन्ना भी लेंगे बदतमीजी से बात करेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई बदतमीजी की बात नहीं हो रही। नहीं आपने बदतमीजी से बात की, आपने तो किसानों का भी दूर हट के बात कर रहे हैं जी। किसान तो सब दूर हट के बात कर रहे हैं। नहीं कर रहे ना, तभी तो कहा नहीं। किसानों ने आपसे कोई भी बदतमीजी की बात नहीं की। मास्क लगा के बात करे, कोई भी बात करे मुझसे दूर हट से बात करे। चेक करवाते हो करवा लो, नहीं तो यहाँ ना होती चेक बैग। हम चले यहाँ ना होती चेक बैग, नहीं खाऊंगा हम दोनों का ही। डीसीओ साहब एक आप अच्छे पद पर हैं, आप इस बात को समझते हैं किसान कितनी मेहनत करता है, उसके साथ ऐसी घटना होती है तो चेक करने आया हूं मैं।
ये जो समस्या है उसको दूर करने आए और क्या बात है। और कोई मैं यहाँ पिकनिक मनाने थोड़ी आया कोई नहीं, शुरुआत में आके आपने किसानों को यहाँ पे धमकाया, कुछ नहीं धमकाया में आके, नहीं धमकाया था हमारी। आप अपने आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, आप अपनी वर्ड्स मेरे मुंह में मत डालिए, मैं भी होश में बात कर रहा हूँ आपसे। तो हम भी होश में बात कर रहे हैं, वीडियो हमारे पास। ये किसान पूरी दफेरी होली इन्होंने किसानों ने बिना खाए पिए पूरे दिन से यहाँ पर किसान लगा हुआ है, लेकिन किसानों का कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। क्यों अधिकारी है, इन्होंने यहाँ पर किसानों से बदतमीजी भी की। 13 महीने किसान धरने पर बैठे, कृषि कानून भी वापस लिए गए, अब फिर किसानों के साथ नए मामले देखने को मिल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो 5 राज्यों के चुनाव के बाद MSP और इस तरह के मुद्दों को लेकर किसान धरने पर ना बैठ जाए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।